भी तो तुम कांटे बनकर मत रहना। सदियों से भारत की संस्कृति नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण है। हमारी संस्कृति नैतिक आचार विचार व्यवहार का पालन करने के लिए सदैव प्रेरित करती है। परंतु अफसोस की बात यह है कि आज समाज और जीवन के हर क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का क्षय तेजी से हो रहा है। नैतिक मूल्यों के क्षय होने के कारण ही समाज में हर प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। मूल्य विहीन समाज में असंतोष फैल रहा है। इन परिस्थितियों में आत्ममंथन आवश्यक हो जाता है। तो आइए आत्ममंथन में सबसे पहले आज के सुविचार द्वारा सुनते हैं, जिसके लिए मैं कल्प को आमंत्रित करना चाहूंगी। सुप्रभात। महान विचारक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि यदि आप अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाते हैं तो आपके परिवार में शांति रहेगी। यदि आपके परिवार में शांति रहेगी तो समाज में शांति रहेगी। यदि समाज में शांति रहेगी तो राष्ट्र में संतोष में शांति रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद कल। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश भले ही मत करो, बल्कि नैतिक मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। आज जब नैतिक मूल्यों का बड़ी तेजी से पतन हो रहा है तो कई प्रकार की चुनौतियां समाज के सामने हैं। तो ऐसे में आशा है हमारी शिक्षा प्रणाली से, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों का समावेश हो तो आदर्श समाज स्थापित होगा। इसी आशा को अपने विचारों से प्रकट करेंगी श्रेया। सुप्रभात। नैतिक मूल्य व्यक्ति में सहज मानवीय गुणों को उजागर करने में निश्चय ही बहुत अधिक सहायक हो सकते हैं। वे संयम, अनुशासन, चारित्रिक दृढ़ता, अटूटता, निर्भरता आदि का संचार कर सकते हैं। नैतिक मूल्य हमें यह सिखा सकते हैं कि जीवन और समाज में किस व्यक्ति का क्या स्थान और महत्व है। समाज में सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर कब कहाँ हमारा आचरण व्यवहार कैसा रहना चाहिए। नैतिक मूल्य सद्व्यवहार व सदाचार का आधार तो प्रदान करते हैं, उसे मन और आत्मा की उज्ज्वलता भी प्रदान करते हैं। यह उज्ज्वलता व्यक्ति को वह प्रकाश देता है जिसकी छाया में वह अपने साथ साथ सभी का हित साधन कर सकता है। नैतिक मूल्य व्यक्ति को स्वस्थ परंपराओं के प्रति आस्थावान बनाते हैं, उसकी जीवन दृष्टि को उज्ज्वलता और विशालता प्रदान करते हैं और जीवन में सही दृष्टि से देखने की प्रेरणा भी देते हैं। वह नैतिक शिक्षा ही है जिसके प्रकाश में व्यक्ति कुरीतियों, आडंबरों, पाखंडों, अनैतिकताओं आदि का ज्ञान प्राप्त करता है और इन सभी अराजक और विरोधी तत्वों के सामने डटकर खड़ा हो सकता है। नैतिक मूल्यों को पहचानने और उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ही अनेक प्रकार के भ्रष्टाचारों से स्वयं बचकर अपने समाज और राष्ट्र को भी इस प्रकार की बुराइयों से बचा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद श्रेया। अमृत पिलाना सके किसी को, जहर पिलाते भी डरना, धीरज बंधा नहीं सको तो घाव किसी के मत करना। नैतिक मूल्य मनुष्य के सम्यक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में मनुष्य का सामूहिक जीवन कठिन हो जाता है। कई लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि आखिर नैतिक मूल्य का अभिप्राय क्या है। तो आइए जानते हैं नैतिक मूल्यों के विषय में सहज से। सुप्रभात। नैतिकता का आशय है नीति के अनुसार, यानी हमारे विचार, कर्म और व्यवहार सद्गुणों से प्रेरित हो और धर्म, संस्कृति, समाज व राष्ट्र के लिए हितकारी हो। आध्यात्मिक तत्व व शक्तियों का संवर्धन करने वाले ऐसे विचारों, व्यवहारों व गुणों को ही नैतिक मूल्य कहते हैं। नैतिक मूल्य हमें उचित अनुचित आचार व्यवहार का ज्ञान कराते हैं। नैतिक मूल्य व्यक्ति को मानव होने की श्रेणी प्रदान कराते हैं।
इनके आधार पर मनुष्य सामाजिक जानवर से ऊपर उठकर नैतिक अथवा मानवीय प्राणी कहलाता है। नैतिक मूल्य मनुष्य के सामाजिक जीवन को सुगम बनाते हैं। सत्यता, पवित्रता, करुणा, प्रलोभनों से दूर रहना, अहिंसा आदि नैतिक मूल्य के आदर्श तत्व हैं। इन आदर्श तत्वों से जीवन में आध्यात्मिकता का जन्म होता है। एक आदर्श परिवार या समाज हेतु सभी व्यक्तियों में शिष्टाचार, सदाचार, अनुशासन, त्याग, मर्यादा एवं परिश्रम जैसे मूल्य का होना परम आवश्यक है। हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाकर एक आदर्श स्थापित करें एवं एक खुशहाल राष्ट्र का सपना साकार करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे इतिहास में ऐसे अनेक ऋषि मुनियों, महापुरुषों व श्रेष्ठ साधकों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन नैतिक मूल्यों के रक्षार्थ समर्पित कर दिया और संपूर्ण समाज को जीवन के प्रति एक दिशा प्रदान की। अपने कार्यों व उपदेशों के द्वारा उन्होंने देश व समाज को शांति, प्रेम, विकास, करुणा व आशा का संदेश दिया। अब नैतिकता के संदेश हेतु ये छात्र व छात्राएं एक लघु नाटिका के साथ। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। नजदीक ही एक कमरे में चार मोमबत्तियां जल रही थी। एकांत पाकर वे एक दूसरे से दिल की बात कह ही रही थी। मैं शांति हूँ, पर मुझे लगता है इस दुनिया को मेरी जरूरत नहीं है। हर तरफ आपाधापी और लूट मार मची हुई है। भाई भाई में संघर्ष छिड़ा है, चारों ओर अशांति है। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती हूँ। मैं विश्वास हूँ, मुझे लगता है कि झूठ और फरेब के बीच मेरी भी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हर तरफ छल कपट का साम्राज्य है। हर कोई एक दूसरे के विश्वास का गला घोट रहा है। चारों ओर अविश्वास और धोखा है। मैं भी इस दुनिया से जा रही हूँ। मैं प्रेम हूँ, मेरे पास जलते रहने की शक्ति है, पर आज हर कोई इतना व्यस्त है कि किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। दूसरों के प्रति तो दूर, लोग अपनों के प्रति भी प्रेम को भूल रहे हैं। चारों ओर नफरत ही नफरत। मैं ये सब और नहीं सह सकती। मैं भी इस दुनिया से जा रही हूँ। अरे मोमबत्तियों, तुम जल क्यों नहीं? तुम्हें तो इस समाज को रोशन करना है। तुम्हारे बिना यहाँ अंधकार छा जाएगा। चारों ओर घोर अपराध ही अपराध रहेगा। तुम जलो और इस देश व समाज को रोशन करो। प्यारे बच्चे, घबराओ नहीं, मैं आशा हूँ। और जब तक मैं जल रही हूँ, हम बाकी सभी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हैं। हम अपने समाज में अंधकार छाने नहीं देंगे। तो आओ आओ मित्रों, जब सब कुछ बुरा होते दिखे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आए, अपने भी पराए लगने लगे और नैतिकता का दम घुटने लगे, तो भी उम्मीद मत छोड़िए, आशा मत छोड़िए, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है कि ये हर कोई चीज आपको वापस दिला सकती है। अपनी आशा की मोमबत्ती को जलाए रखिए। बस अगर यह जलती रहेगी तो आप किसी भी और मोमबत्ती को प्रकाशित कर समाज का अंधकार मिटा सकते हैं। धन्यवाद। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मनुष्य जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा नैतिक है, और वो इतना अनैतिक है कि वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता।
अब एक मधुर गीत की प्रस्तुति हेतु ये छात्राएं